हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में देने वाला हूँ एक मैं फार्मासिस्ट रिलेटेड वैकेंसी के बारे में एक अपडेट। और भाई, कहाँ वैकेंसी है, कितनी पोस्ट पर है, क्या सैलरी रहेगी, कैसे क्या भाई प्रोसेस होगा, सारी कुछ हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो भाई, आप लोगों को आ जाना है यहाँ पर साइट पर। और किसकी साइट पर, आप देख सकते हो, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर वाराणसी में जो है भाई, यहाँ पर वैकेंसी आपकी निकली हुई है। आपको रिक्रूटमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। फिर हम करेंगे नॉन मेडिकल पर, और उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्चुअल, यहाँ पर आप देख सकते हो कॉन्ट्रैक्चुअल लिखा है, इसी पर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और हमको हमारी जो वैकेंसी है वो दिख जाएगी। तो भाई, देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट हैं वैकेंसी के, जैसे कि आपको देखने को मिल जाएगा। और हमारी फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, थोड़ा स्क्रॉल करोगे और आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। वॉक इन इंटरव्यू है बिटवीन 9 से लेकर 10 बजे तक, ये सब कुछ है। इसको नोटिस को डाउनलोड करते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं कि भाई क्या बताया गया है इसमें नोटिस में डिटेल्स। जो नोटिस है वो यहाँ पर ओपन होकर आ चुका है, आप देख सकते हो। जैसे कि दोस्तों देख सकते हो कि भाई वॉक इन इंटरव्यू है, यानी इसका भी कोई भी रिटन एग्जाम वगैरह नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको जाना है वेन्यू पर, जो वेन्यू दिया गया है वहाँ पर जाना है और अपना इंटरव्यू दे देना है। दोस्तों, इसका वेन्यू आप देख सकते हो, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर जो है, सुंदर बगिया बोलते हैं इसको, BHU कैंपस वाराणसी में है। फ़ोन नंबर ये है और इसका पिन कोड ये है। यहाँ पर जाके आपको अपना भाई इंटरव्यू देना है, ठीक है। टाइमिंग क्या रहेगी, आप देख सकते हो भाई, 20 तारीख को यानी 20 अप्रैल को, और 9 से लेकर 10 बजे के बीच में आप अपना इंटरव्यू दे सकते हो। क्या करना है उनको भाई इंटरव्यू में जाने के लिए, सबसे पहले भाई उनको क्या करना है, अपना बायोडाटा जो है वो कैरी करना है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जैसे ले जाने हैं, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो, बाकी आपकी जो भी एजुकेशन की भाई जो सर्टिफिकेट हैं वो सारे ले जाने हैं, एक सेट ले जाना है। ओरिजिनल तो जाएंगे जाएंगे, उसके बाद इनका सबका एक सेट जाएगा और आपको इनको सबको सेल्फ अटेस्ट करना होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर भाई दी गई हैं, आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हो। अब भाई पोस्ट क्या है वो बात कर लेते हैं। तो ऐसा देख सकते हो भाई, बी फॉर्म और डी फॉर्म, यहाँ पर दोनों लोगों को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। अब जैसे देख सकते हो कि बी फॉर्म जो स्टूडेंट है उनको 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ पर, और जो डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं उनको लगभग 3 साल का दोस्तों यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब भाई एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए डिस्पेंसरी में, आपकी जो है 200 बेड के हॉस्पिटल में आपके पास इसका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपके पास शिफ्ट ड्यूटी जो होती है, जैसे नाइट की डे की, उसके बाद रिगार्डिंग आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। नाइट शिफ्ट का भी आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपने नाइट शिफ्ट में भी काम करा होना चाहिए यहाँ पर, ऐसा कुछ बोला गया है भाई यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन इन्होंने मांगा है, आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो भी है भाई वहाँ पर होना चाहिए आपके पास रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है भाई वो मैंडेटरी है, यहाँ पर बोला गया। उसके बाद दोस्तों देख सकते हो भाई, फार्मासिस्ट की पोस्ट है, आपको पहले ही बता दी थी। जो मैक्सिमम एज है, एज लिमिट जो है भाई वो 30 साल, यानी कि 30 साल जो है यहाँ पर मैक्सिमम एज आप उसको मान सकते हो भाई, ये मैक्सिमम एज है। इससे कम वाले जो है भाई वो बिल्कुल जा सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं। सैलरी आप दोस्तों देख सकते हो, 23,790 रुपये जो है आपकी सैलरी रहने वाली है, और 2 पोस्ट है, ठीक है। पोस्ट देख सकते हो, 2 पोस्ट है। बाकी दोस्तों ये जो नीचे लिखा हुआ है आपको देखने को मिल जाएगा कि भाई जो आपका जो भी अपॉइंटमेंट लेटर है वो 6 महीने तक आपका वैलिड होगा, उसके बाद उसको आप एक्सटेंडेबल, मतलब एक्सटेंडेबल है, वो बढ़ भी सकता है, ठीक है, अगर ज़रूरत है तो वो बढ़ जाएगा। बाकी दोस्तों आप देख सकते हो यही सब है, आपको ये नोटिस जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको भाई डाउनलोड कर लेना, देख लेना, पूरी डिटेल समझ लेना, और उसके बाद जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो वो भाई यहाँ पर जाकर अपना इंटरव्यू दे दे। तो दोस्तों हमारे चैनल पर फार्मा रिगार्डिंग और भी नोटिफिकेशन ऐसे ही मिलती रहती है, तो दोस्तों चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और भविष्य में और भी ऐसी अपडेटें आपको मिलती रहे।